सानिया है हफीज सेंटर के हवाले से आपको मजीद बताएं कि 222 दुकानों में मौजूद 12 करोड़ की नकदी जलने का इंकशाफ। ज्यादा नुकसान होलसेल और परचून के ताजिरों का हुआ। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम कहते हैं कि चंद रोज तक इंटरनल रिपोर्ट तैयार होगी। हफीज सेंटर गुलबर्ग में आतिशजदगी से जहां अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं 222 दुकानों में मौजूद 12 करोड़ नकदी भी जल गई। बैंकों की हफ्तावार तातील के बाइस हफीज सेंटर में दुकानों पर 80 करोड़ तक की नकदी मौजूद थी। ताजरान पीर के रोज नकदी बैंकों में जमा या तजारती लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हफीज सेंटर में 1000 के करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं। 400 दुकानों में छोटे दर्जे का कारोबार, 400 में दरमियाने दर्जे का कारोबार होता है। 200 दुकानों पर होलसेल का कारोबार किया जाता है। ज़राए के मुताबिक 400 छोटे कारोबार वाली दुकानों में रोजाना 1 लाख तक कैश होता है। दरमियाने दर्जे के कारोबार की दुकानों पर 20 लाख की नकदी होती है, जिसे रोजाना कारोबारी और तजारती लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। हफीज सेंटर की सुप्रीम कौंसिल की जानिब से इब्तदाई तहकीक के मुताबिक दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों की 222 दुकानें आग की लपेट में आईं। इन दुकानों में 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक की नकद रकम मौजूद थी। नुकसानात के तखमीने के लिए हफीज सेंटर की क्यादत की जानिब से सहूलत कैंप भी लगा दिया गया। सहूलत कैंप ताजरों और दुकानों से तफसीलात तहरीरी शक्ल में वसूल करेंगे। ताजरों का कहना है कि जमा पूंजी सब जल गई, हुकूमत नुकसान का अजाला करे। तकरीबन अपनी सारी जमा पूंजी, जो भी हमने कमाया है, जो भी हमारे पैसे थे, वो सारे अंदर थे, वो सारे बर्न हो चुके हैं। ये बिल्कुल मेन पे मेरी शॉप थी। मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें हमारी हेल्प करे। अब तो हमारा यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट किया जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि वापस हम अपने कारोबार में आएंगे। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम का कहना है कि आतिशजदगी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा नकदी भी चल गई। अमूमी तौर पर हफ्ते के रोज बैंक बंद होने पर दुकानदार कैश दुकानों में ही रख कर जाते हैं। नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। चंद रोज में इंटरनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। हफ्ते की छुट्टी थी, 2 दिन का कैश भी इकट्ठा हुआ था और काफी ज्यादा लोगों के पैसे थे। हम लोग हफीज सेंटर को ज्यादा सिक्योर समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी वहाँ पे ऐसा कोई वाकया भी नहीं हुआ, कोई शटर टूट गया या कोई किसी के पैसे निकल गए, इसलिए लोग ज़्यादा महफूज समझते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम भी 20 से 25 करोड़ के दरमियान जो है ना, लोगों का कैश वो जला है। आतिशजदगी से हफीज सेंटर के दुकानदारों और ताजरों की उम्र भर की जमा पूंजी जलकर राख बन गई, जिसकी वजह से ताजर शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़।